हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू क्वर्की का वीकली व्लॉग। आज मैंने सोचा कि एक दिन व्लॉग करने से अच्छा मैं थोड़ा ना अपना पूरा वीकेंड ऑफ माय लाइफ व्लॉग करके देखूं, सो दैट इज़ व्हाट आई एम अटेम्प्टिंग टुडे, ताकि मेरे को बहुत सारे दिन हो आपको दिखाने के लिए इंस्टेड ऑफ जस्ट वन और टू डेज। सो एन अर्ली मॉर्निंग फॉर मी एंड व्हाट आई एम हैविंग इज़ अ वेरी डिलिशियस ब्रेकफास्ट विच इज़ ब्रोकली पराठा। दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे मॉम डैड ऐसे रेसिपी बना के खुद खा के देख चुके हैं। रवि डजंट लाइक इट एट ऑल, लाइक उसको थोड़ा सा से अजीब सा फील होता है, बट आई एम रियली एक्साइटेड ड्राइव। ऐसे मुझे गोभी के पराठे बिल्कुल नहीं पसंद है, सो आई एम ट्राइंग दिस ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन जिसके साथ मेरी योगर्ट है चिया सीड्स वाली, इफ़ यू गाइस कैन सी, एंड देन हरी चटनी विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। आई हैव कम्प्लीटली क्विट ऑन सॉसेस, लाइक मैं बिल्कुल भी टमेटो सॉस बाहर का पैकेज ये सब खाती नहीं हूँ, सो मैं हर चीज़ सब्सटीट्यूट करी हूँ ग्रीन चटनी से। सो दैट इज़ वॉट आई एम हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट। आज का प्लान ये है कि आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म अ वीडियो, जो कि आई थिंक ये व्लॉग बाद में जाएगा, तो आई कैन टेल यू गाइज द वीडियो इज़ कि मैंने अपने सारे लग्जरी बैग्स के ड्यूप्स फाइंड किए हैं ऑन मिंत्रा। ऐसी मैं एक मीशो की चीज़ कर चुकी हूँ, बट वो ना आउट एंड आउट ड्यूप थे। ये वाले हैं जिनका असेंस वैसे बैग का है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ड्यूप नहीं है कि बिल्कुल लोगो सब में लगाई हो। एक दो में आई थिंक लोगो भी लगा हुआ है, सो आई ट्राइड फाइंडिंग दैट एंड सब कुछ आया हुआ है। मैंने खोल के नहीं देखा बिकॉज दिस इज़ गोना बी अ फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। मैं सिर्फ मंगा के खोल के जज करने वाली हूँ एंड मैं रेट करने वाली हूँ बैग्स को, सो आई थिंक दैट इज गोना बी प्रीटी एक्साइटिंग। दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग। मैंने कभी ज़्यादातर ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, बट आई रियली वाना यू नो अलग अलग टाइप की चीज़ें मैं करना चाहती हूँ यूट्यूब पे आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो इन अ फ्यू डेज आई एम अगेन गोइंग टू द गूगल ऑफिस गुड़गांव, क्योंकि यूट्यूब ब्यूटी क्रिएटर्स का समिट होने वाला है एंड लैक्मे वहाँ पे आएंगे, लैक्मे की टीम वाले एंड हुएवर इज अटेंडिंग। इट्स अ वेरी लिमिटेड सीटिंग वाला जो स्पॉट है, तो आई एम वन ऑफ द पीपल जिनको बुलाया गया है एज अ ब्यूटी यूट्यूबर ऑल्सो। मैं पहले लाइफ स्टाइल वाले में गई थी, नाउ आई एम ब्यूटी, लाइक दिस इज द जॉय ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट। सो वहाँ पे लैक्मे वाले आएंगे, दे आर यू नो वेंचरिंग इन टू लग्जरी कैटेगरी एंड जो लोग वहां पे जाएंगे दे डायरेक्टली गेट एक्सेस टू द लैक्मे फैशन वीक दैट्स गोना हैपन। सो आई एम रियली पम्प्ड फॉर दिस एंड मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ें। अब मैं वाला पार्ट भी लाइफ करना थोड़ा थोड़ा एंजॉय करने लगी हूँ। सो ये सारी दो चीज़ें हैं मेरे माइंड में एंड आई रियली डोंट नो उसके अलावा और क्या कोई आया था क्या। मुझे लग रहा है मेरी मम्मी दरवाज़ा खोल के पीछे चली गई, बट एज आई वाज सेइंग ये सारी चीज़ें माइंड में, एज द डे प्रोग्रेसेस कुछ और नया नया होता जाएगा, सो आई कीप एडिंग इट इन द व्लॉग। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। रवि को क्या चाहिए? ब्राउन गॉगल्स चाहिए। सो एज यू गाइज नो मेरे पिछले एक दो ब्लॉग में और मेरी इंस्टा फैम ने देखा होगा, रवि ये पहन के घूम रहा था एंड वी थॉट उसको पसंद आया, बट इसको सीक्रेटली ब्राउन गॉगल्स चाहिए थे। रवि ये पहनेगा ब्राउन गॉगल्स। तो इसको रख दे दीदी के रूम में, फिर ऊपर चलते हैं। रख दिया, चले ऊपर, दीदी साथ चलेगा, आ जाओ। मेरे वार्डरोब में चश्मों की जो कलेक्शन है वहाँ मैं रवि को लेके जा रही हूँ एंड लेट मी शो हिम कि क्या क्या सन ग्लासेस के ऑप्शन है हमारे पास। ब्राउन गॉगल्स पहनोगे? चलो आ जाओ। दिस इज द सिलेक्शन वी हैव फॉर यू मिस्टर रवि, बताओ कौन से पहनोगे? ये वाले पहन, शीशे में पहन के देख, ठीक है? ठीक है। ब्राउन गॉगल्स मिल गया मेरे बेटे को? मिल गया। चलो अब इसको भाग दें, लेट मी जस्ट क्लोज इट। ओहो धूप में गॉगल्स पहने रवि का। हाँ रवि का हो गया गॉगल्स। दीदी नो ओके, रवि का गॉगल्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक ही लुक्स रियली नाइस। दिखा, ओह वाओ कितना सुंदर रवि, कितना सुंदर लग रहा मेरा बच्चा, कितना प्यार लग रहा। गुड बॉय रवि, स्मार्टी बॉय। इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू फॉल लाइक आई डू व्हेन आई डोंट हैव यू। Give me one more hit of dopamine, they'll see us
in a movie scene, a silhouette of one leg in your jeans. We're either going down in history. Yo guys, I am all ready. I just had the most amazing and yummy पाव भाजी विदाउट एनी प्याज वगैरह एंड मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाई थी. सो दैट वॉज माई लंच. शूटिंग इज ऑल डन. सो आई एम रेडी टू गो टू ईशान के मॉम डैड के 30th वेडिंग एनिवर्सरी का हवन. एंड उसके बाद आई डोंट नो हम क्या करने वाले हैं, बट मैं ना बहुत एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं होना चाहती थी, तो दैट इज़ वाई आई जस्ट ड्रेस्ड विद दिस. ये थोड़े ट्रेडिशनल में प्रिंट्स हैं, बट स्टिल इट्स वेरी मॉडर्न एंड एवरीथिंग. सो दिस इज माई आउटफिट. फुल आउटफिट दिखा दिया है एंड दिस इज़ लाइक अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम माई फैमिली टू देम, क्योंकि मैं ऐसे जा रही हूँ तो खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता है. बट या दिस इज द लुक. लेट्स गो. Knowing it's just vanilla flavored in. You tell me that you'll be here when the summer starts to fade away. Cross my heart, hope to die, but I know that you can't be making any promises. You keep changing up your mind, like spin the bottle, playing out of seek with all your problems. And I've been losing sleep, cause you promised no take back. जहाँ पे घर के लड़के बड़ों को स्माइली स्टाइल के खिलाते हैं. We're just preparing meals and snackies. Happy anniversary! Happy anniversary! The next morning. Morning, it's the next day and मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ है. I'm in my sweats because I came back to this mess right here. Oh my god, मुझे लगा कि अपने आप ही साफ हो जाएगा. मैंने कल ये वीडियो की थी ना ड्यूप्स वाले बैग्स की, एंड उसके बाद मैं यहाँ से चली गई थी. एंड आई डोंट नो, सम हाउ आई हैड दिस इंप्रेशन इन माइंड कि मुझे कल वीडियो नई फिल्म करनी है एंड आई विल जस्ट बी वेलकम बाय अ वेरी क्लीन स्टूडियो एंड आई हैव टू नाउ क्लीन ऑल ऑफ दिस एंड उसके बाद हम वीडियो शूट करना स्टार्ट करेंगे. एनी वे आई हैव लाइक, जब मैं ऊपर आती हूँ तो 15-20 मिनट्स में कोई कमरा ठंडा करने में लग जाता है. पावर वाले पे मैं AC चला के रखती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि ये पंखे की साउंड बिल्कुल इंटरफेयर करे मेरे ऑडियो में. So let's just clean it up and start filming. आज हम एक और नई वीडियो फिल्म करें, which is kind of like an anti-haul, जो कि I don't know इस वीडियो तक आएगा, बाद में कभी आएगा, because मैं थोड़ा pre-film करना prefer करती हूँ अपनी videos को, in case आगे जाके मैं बीमार पड़ जाऊँ, कुछ हो जाए, so I should have an upload going. So yeah, let's go, let's clean it all up. She got me entangled, faking me like Ringo, dancing like it's tango. I'm in over. A few hours later. It is time for Pujo. I'm all ready. I always like to make a bun with this fake gajra that I got. And aaj maine dark lipstick lagai hai. I'm wearing this kurti jo maine, I think jab main gayi thi Gujarat tab pehni thi ek bar. And uske baad aaj pehen rahi hu, wearing these beautiful earrings from this Instagram store called Tirana. And yeah, I'm feeling myself. Let's go. Pass mein pandal laga hai, toh just darshan karke aate hum aake. I am really, really excited for this time. Let's go. आरती विल स्टार्ट अराउंड 8. हमने दर्शन कर लिए हैं एंड अभी हम थोड़ा स्टॉल्स यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं. बहुत अच्छी लग रही है, पर ये काफ़ी नॉर्मल एनवायरनमेंट में चटक लगेगी. अच्छा हाँ, अगर आपको थोड़ा अलग कलर, हाँ ऐसा ले लो. ये या तो बहुत हैवी है, ये भी अच्छा है. Look who I met. Hello. Hi. I met her.
जब बजट बाइट से शान ने खोला था तभी आई थी, काफी सारे सब्सक्राइबर आए थे, बट शी वॉज द मोस्ट स्पेशल वन बिकॉज ये मेरे को ऐसे मिली थी जैसे मैं पता नहीं कोई स्टार हूं। शी वाज लाइक एंड आज ये मम्मी को ऐसे मिली है। हमेशा स्टार लगते थे मेरे को, मुझे लगता क्योंकि हर चीज हर जर्नी जो मैंने देखा है ना, मैं 2018 से इनको फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल शुरू से। हाँ, तो सब कुछ देखा है सारा। मुझे इतना फील होता है यार अदिति, मतलब हमारे साथ सामने इसने रो किया, लेकिन सो स्वीट, उसके पीछे बहुत जो भी है, इन्होंने जो भी किया। और ऑनेस्टली माँ दुर्गा के सामने हूँ मैं कि ऐसे जेन्युइन तरीके से ये गई। थैंक यू सो मच। नो फेक नो नथिंग। इन्होंने मेरे को बोला है मम्मी और मेरे को ये पास्ता खिलाएगी अपना हैंडमेड हैंड रोल्ड वाला, तो हम इनको दोबारा व्लॉग में देखेंगे। बट शी इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक शेफ, तो दिल्ली में अगर आपका कैफे है रेस्टोरेंट है फिर लुकिंग फॉर अ अमेजिंग शेफ जो हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखते हैं एंड वीगन वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बहुत मैटर करता है हाइजीन। तो कॉन्टैक्ट हर, मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट यार ट्राई हर आउट एंड बहुत अच्छा लगा इसे पूजो के टाइम पे मिलके। मॉर्निंग गाइज, आई एम फीलिंग सो सिक। मैं पूरी रात ठीक से सोई नहीं एंड दैट इज़ बिकॉज मेरा पेट ख़राब हो गया एंड आई वॉज अप ऑल नाइट, स्टमक एक एंड अ लॉट ऑफ वेरियस थिंग्स दैट यू डोंट वॉन्ट नो अबाउट। एंड आज मेरा गूगल ऑफिस में इवेंट था जिसके बारे में मैंने आपको इस व्लॉग के शायद इंट्रो में बताया था, बट हालत बहुत पतली हो रही है, सो आई एम लाइक बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। आई एम फीलिंग सो गिल्टी कि मैं उनको मैंने बोल दिया था कि यस आई विल अटेंड एंड देन अब मैं अटेंड शायद ना कर पाऊँ। सो एंड मेरी मम्मी भी सुबह की उठी हुई, शी इज़ मेकिंग हलवा पूरी बिकॉज आज कंजके भी हैं। सो ओह शिट, इट्स अ बैड वाइब ऑल अराउंड एंड मेरे को लग रहा है कल मैंने कुछ तो एंशेंट खा लिया जिसकी वजह से मेरा पेट ख़राब हो गया। अभी मैं थोड़ा नाश्ता करके आई विल टेक सम मेडिसिन एंड आई विल सी यू गाइस इन अ व्हाइल। The next day. Good morning, you guys. It is the 12th of October, which means आज रवि का birthday है. So कल के दिन मैंने कुछ भी नहीं किया. As I told you in the intro of the video, I was supposed to go to the YouTube event, but मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, I think पूजो में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था पंडाल में and उसके बाद मेरा पेट बहुत ख़राब हो गया था. So I got loosies and I was vomiting and काफ़ी ज़्यादा कल मेरी हालत टाइट हो गई थी एंड when I saw everyone's stories, I got so disappointed because सारे मुंबई के क्रिएटर्स भी आए थे एंड आई वॉज जस्ट लाइक शिट यार, मेरे को बहुत ज़्यादा मन था जाने का एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक हेल, लाइक इतना ज़्यादा बुरा मैंने बहुत टाइम में पहली बार ही फील किया दैट आई वॉज लाइक आई मिस्ड दिस बिकॉज दिल्ली एंड मुंबई के सारे लोग एक साथ एक जगह गूगल ऑफिस आए थे गुड़गांव में एंड आई लिव सो क्लोज बाय, सो आई वॉज जस्ट मैं बहुत अपने आप को कल कोच रही थी। येस्टरडे वॉज अ वेरी वियर्ड डे फॉर मी। लास्ट ब्लॉग में मुझे फीवर हो गया था, इस ब्लॉग में आई थिंक मुझे सब कह रहे हैं कि नज़र लग गई है फिर से, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। आई फील लाइक के आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड दैट इज़ वाई दीज थिंग्स हैपन एंड वैन आई सी अदर क्रिएटर्स आई फील लाइक ओके दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर हेल्थ, दे आर डूइंग समथिंग टू कीप देम सेल्व्स हेल्दी हैप्पी एंड एवरीथिंग एंड देर आर सम फेजेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई फील एक्सट्रीमली सैड एंड लोकी डिप्रेस्ड वाली साइड में जाने वाला एंड मैं बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाती हूँ एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। सो कल का दिन वॉज अ टोटल फ्लॉप एंड आई जस्ट वेरी वेरी मच रिग्रेट नॉट गोइंग देयर, बट मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी एंड या एंड द क्रिएटर्स वर देयर फॉर ओनली वन डे एंड जहाँ तक मेरे को पता है, सो आई जस्ट कुडंट इवन मीट एनीवन। सो yeah, I'm feeling very, very sad. But other than that, I just rotted in bed again. But कल अष्टमी के टाइम मैं थोड़ी देर के लिए रेडी हो गई थी। मैं मॉम वॉज लाइक कि तू कुछ कपड़े बदलेगी पहनेगी तहाएगी तो तेरे को अच्छा फील होगा, तो उस टाइम पे जब सारी कंजके वगैरह आई थी तो एट दैट मोमेंट मैं थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील कर रही थी कि सारे ऐसे बच्चियाँ आई थी एंड यू नो पूजा वगैरह कर रहे थे एंड उसके बाद आई जस्ट लाइक
एकदम से एनर्जी ड्रॉप, बट आई एम फीलिंग बेटर. आज भी पेट थोड़ा ख़राब ही है, सो रवि का बर्थडे है लेकिन, इसलिए जो भी उसका एक लिस्ट में चीज़ें होती है वो तो करनी ही होती है. ऑल्सो ये जो गूगल का इवेंट था ना, उसका द मेन थिंग वॉज के अगर आप ये अटेंड करोगे, बिकॉज लैक्मे की कोई न्यू लग्जरी कलेक्शन लॉन्च हो रही थी, तो आपको डायरेक्ट इन्वाइट मिलेगा लैक्मे फैशन वीक का. एंड एनीवे आई गॉट लैक्मे फैशन वीक का इन्वाइट फ्रॉम कल्कि, सो दिस इज़ वॉट आई रिसीव्ड फ्रॉम कल्कि. हमेशा मेरे को हर साल वो इन्वाइट भेजते हैं, आई थिंक मैं उनके एक दो शो में गई हुई हूँ. This is what it looks like. I will hide the phone number of people जिन्होंने RSVP करके लिखा हुआ है, but this is what it looks like. And बहुत ही अच्छा इनका शो होता है हमेशा. They come up with such amazing, beautiful Indian outfits. So I'm really excited for that. But इसमें भी एक पंगा है, because कल I might have a very, very, very important meeting जिसके बारे में आपको नवंबर में पता चलेगा कि what is in the works and क्या plan चल रहा है life का. So I really don't know कि मैं इस पे भी जा पाऊँगी या नहीं. And I don't know. मेरी लाइफ में इस टाइम पे सब ऐसे मिक्स चल रहा है, एंड आई जस्ट डोंट नो कि मेरी क्या प्रायोरिटी है क्या नहीं है. एंड कभी कभी जो इंट्रोवर्ट लोग बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकल लेते हैं ना, उसके बाद देयर बैटरी गोज सो डाउन कि उसके बाद आगे के जो कमिटमेंट्स होती है, आगे की जो चीज़ें होती है वो करने की उनमें हिम्मत ही नहीं बचती है. एंड लेट मी नो इफ़ यू गाइज रिलेट टू दिस, बिकॉज दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. एंड यही मेरी क्या बोलते हैं मुंबई की भाषा में, त्रास है लाइफ का. I don't know if I use that word correctly. But yeah, let me see कि कल मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ. लैक्मे फैशन वीक में अभी दिल्ली में हो रहा है, बट ये मीटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई एम मोर एक्साइटेड फॉर दैट. अगर कल की स्केड्यूल हो गई तो फिर मैं कल वहाँ जाऊँगी, बट आई एम नॉट व्लॉगिंग ईदर लैक्मे फैशन वीक और द मीटिंग, सो आपको बाद में पता चलेगा. आज का प्लान सिंपल है, रवि का बर्थडे. एवरी ईयर ही वॉन्ट्स फन स्कूल एंड ही वॉन्ट्स खाना एंड ही वॉन्ट्स अ केक, बट क्योंकि उसकी हेल्थ बीच में ख़राब हो गई थी तो वी आर मेकिंग श्योर कि हम कम कम खाए. सो रवि की इस बार डिमांड है कि वो ढेर सारे फन स्कूल लाएगा, जितनी भी वैरायटी है, तो उसके लिए हम छोटी सब्जी मंडी जाएंगे. एंड शाम को हम केक काटेंगे, उसको स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक चाहिए, तो मैंने स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक परोस्ता से ऑर्डर कर दिया. उनके कॉन्टैक्ट में नीचे दे दूंगी इन केस यू वॉन्ट, बिकॉज मेरे बर्थडे पे भी शान एक चॉकलेट ऑरेंज केक लाया था जो बहुत ज़्यादा डिलिशियस था, एंड तब से मैंने सोच लिया था कि मैं इसी से एक केक ऑर्डर करूँगी. तो वो किया है. एंड देन दोपहर के टाइम पे लंच पे हम बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं ना, मेरा पेट खराब है तो आई एम नॉट गोना ईट एनीथिंग, बट फैमिली के साथ एक पूरा ऐसे गैदरिंग एंड लंच करना है तो मैं चली जाऊँगी इन एसेंस एंड इन प्रेजेंस, लेकिन आई वोंट ईट एनीथिंग. आई एम नॉट इन द कैपेसिटी टू ईट बाहर का खाना अभी, बट या दैट इज़ गोना बी रवीज बर्थडे. आई थिंक ईशान अभी मे बी ब्रेकफास्ट के लिए आए रवि को विश करने एंड एवरी थिंग. ही वॉज सेइंग के उसकी भी तबीयत ख़राब है, बाय द वे ही हैज़ कोल्ड एंड यहाँ यहाँ साइनस में, एंड उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है, तो सबकी इस टाइम पे हालत टाइट. आई डोंट नो व्हाई, दिल्ली का वेदर इज़ वेरी वियर्ड राइट नाउ एंड ऑल्सो काफ़ी एलर्जीज भी फैली हुई है, बट लेट्स स्टार्ट दिस डे. दिस इज़ द लास्ट डे दैट आई एम व्लॉगिंग, उसके बाद आज रात को मैं एंड कर दूंगी. लेट्स गो. कहाँ है मेरा बर्थडे बॉय? हैप्पी बर्थडे. इतना सारा फन स्कूल, इतना सारा फन स्कूल. रात को पापा भी हमारे कमरे में आए थे कि इसको हैप्पी बर्थडे विश कर दो, ये सो नहीं रहा. रवि निन्नी कब करोगे? हैं अभी सोया एक घंटा. ओह, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी एंजाइटी, इतनी ज्यादा एंजाइटी. नबनू रवि ठीक हो? ठीक हूं. फन स्कूल लोगे इतना सारा? इतना सारा सब मिलेगा, सब मिलेगा. ओके ओके. आज बर्थडे है ये. ओम शांति दीदी ने आपके अच्छे पहने वाला, अच्छे पहने वाला मेरा बेटा. इसको थोड़ा सा दो मिनट के लिए हटा दे पहने. जय माता दी. ये लो. ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो. वो अभी बिल्कुल ही गाने में गुम है. पारा बेटा. A few hours later. Oh my god. कपड़े दिखाओ. मेरे को तो क्या ही दिखाएगा, वो अपने आप को शीशे में देख रहा है. ओहो, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद पे प्यार लुटाऊं. इज हैप्पी. चलो अच्छी बात है, एक्साइटेड है. ग्रीन कपड़े पहन लिए रवि ने, फेवरेट कलर सुंदर पहन लिए. वैन हाउसन का वैन हाउसन बोल रहा था. पीटर इंग्लैंड और वैन हाउसन. पीटर इंग्लैंड पहनेगा, पीटर इंग्लैंड पहनेगा. अब मेरे को नीचे ईशान की गाड़ी की भी आवाज आई है. ईशान भी शायद आ गया. अच्छा, लेट्स गो. रवि कौन आ गया? कह रहा है हाथ बाद में, पहले मेरा फन स्कूल मेरे को पकड़ा दे. ले गया वो, भाग गया. ओ, ले गया गिफ्ट. मिल गया पहला गिफ्ट आज का रवि का. चल अंदर. आज भाई रवि बहुत सारे फन स्कूल लेगा, इसको जितने हैं सब दिखा दो. सारे ले जाएगा रवि. तू बस ले, कौन सा लेना? ले ले ले.
अच्छा ऐसे ग्रीन वाले और जितने हैं ना ग्रीन कलर के वो तो जरूर दे दो। ठीक है ये भी लगा दो भैया, ग्रीन कलर का कोई है तो लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा है, हरा रंग इसको पसंद है, आज इसका बर्थडे है ना इसलिए इतने सारे पैक हो गए। अब रवि लेगा ओ इतने सारे, ओ रवि के इतने सारे फन स्कूल, ये रवि देखो फन स्कूल लेके आया। हाउ मेनी फन स्कूल, 21 फन स्कूल लेके आया है, 26 साल का बच्चा हमारा। खोले खोले खोले। ओके यू गाइस, दिस इज माय आउटफिट और वाइब फॉर रवीज बर्थडे। इट्स प्रीटी सिंपल, आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल शर्ट विच माई सब्सक्राइबर हैज सेंट मी, उनकी डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगी। आई एम ऑल्सो गोना पोस्ट अबाउट इट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मुझे ये शर्ट की क्वालिटी ओ माई गॉड इतनी अच्छी लगी है। लाइक इट्स फुल स्लीव बट इसको आप ऐसे ऊपर कर सकते हो एंड अच्छे से टिक जाती है यहाँ पे। इट हैज़ सच ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी, ऐसे वाइट फ्लावर्स की बीच में हल्का हल्का शाइनिंग इफेक्ट है, इसका ऐसे बंद गला सॉर्ट ऑफ वाइब है, जिसके साथ मैंने थोड़ी ऐसे कोरियन खुली खुली पैंट्स पहनी हुई है फ्रॉम Veromoda I feel, and then ये है Charles and Keith के, and this is my usual bag. So I am all ready. Let's go celebrate my rabbi. My head over my head, she got me entangled, faking me like Ringo, dancing like it's tango. I'm in over my head. आज रवि के बर्थडे के साथ साथ दशहरा भी है तो हमको पार्किंग नहीं मिल रही है, घूमे जा रहे पार्किंग के अंदर हम। It's the price of pay. Five below, almost in the grave. Gotta hand it to you. Got me stumbling hard. I got the sinking feeling that you let leading me on. I don't mind it. Kinda like it. She got me in tank. We're done with the starters. Pure veg khana mummy ne khaya. And I had this pina colada जो थोड़ी सी बची हुई है and रवि सब कुछ खा चुका है but portion obviously हम बहुत कम कम इसको दे रहे हैं and he's happy with the size. So I think हम बहुत जल्दी like आधे पौने घंटे में निकल जाएंगे हम यहाँ से, जबकि एक time होता था हम कितना खाते थे barbecue nation में, कोई खाते ही नहीं, बस आ जाते हैं थोड़ा 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 खाते हैं टेस्ट के लिए टेस्ट के लिए। बट या रवि को मन था barbecue nation आने का तो हम आ गए, नहीं तो सब सब पापा मम्मी मैं रवि सब कम कम खा रहे हैं। रवि इज सो एक्साइटेड क्योंकि उसको पता है अभी उसका बर्थडे केक लाने वाले हैं बारबेक्यू नेशन में। रवि अंकल क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, यूनाइटेड नेशन ही बोलेंगे। वेरी वेरी हैप्पी एंड एंग्शियस आल्सो। ऑलराइट गाइस इट्स टाइम, रावण जलाएगा आज दशहरा है, आज रवि का बर्थडे है, रात को जलाएंगे रावण। ओके वी आर रेडी विद रवि's केक। ओह हैप्पी बर्थडे रवि, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रवि, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रवि, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लेट में दे All right, hope you guys enjoyed watching this vlog. अभी जब हमने केक कटिंग की थी तब से दो घंटे और हो चुके हैं। My मासी's family came over and हम लोगों ने ऐसे ही just chit-chat किया। They're very private people, तो मैं इतना ज़्यादा vlog नहीं करती उनके साथ। But we enjoyed a lot. I made my cousin sister matcha and she liked it. And I think that's an achievement for me because nobody in my life likes matcha. So that's great. But yeah, thank you so much you guys. I think ये जो तीन चार दिन का vlog करने का plan था वो काफ़ी अच्छा plan था। एक ही चीज़ miss हुई, that was the major event.
एंड आई जस्ट स्टिल आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ इट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गो बट माई तबीयत इज मच 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 बेटर. आज मैंने बहुत कम क्या ही खाया, मैंने बारबेक्यू नेशन में कुछ भी नहीं खाया बट थैंक्स टू दैट आई एम फीलिंग वे बेटर. सो नाउ यू गाइज विल ऑलवेज सी मी ईटिंग हेल्दी अनलेस इट इज अ ट्रिप और समथिंग विच इज नॉट कमिंग एनी टाइम सून. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों ने क्वर्की का वीकली व्लॉग एंजॉय किया हो. लेट मी नो यू गाइज आपको सिट डाउन वीडियो ज्यादा पसंद है या फिर व्लॉग ज्यादा पसंद है बिकॉज आई एम प्लानिंग के कुछ एक बैलेंस होना चाहिए. मैं एक एक करके डालती हूँ ऑल्टरनेटली बट अगर आप लोगों को व्लॉग ज्यादा पसंद है आई वुड लव टू व्लॉग मोर एंड इफ यू डोंट लाइक दिस देन आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे कि क्वर्की वी लाइक योर सिट एंड टॉक मोर, वी लाइक योर क्यू एन ए मोर जिसमें आप अपने ओपिनियंस देते हो या फिर हॉल्स मोर, लाइक वॉट एवर जॉनर ऑफ वीडियो यू लाइक प्लीज नीचे मुझे बताना. एज एन ऑडियंस आई वॉन्ट योर फीडबैक. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. यू गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @QuirkyMiss. अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो. आई अपलोड न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. हैप्पी दशहरा दिवाली जब भी आप देख रहे हो इस ब्लॉग को. बाय.